बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं अरसलान अहमद। आप सभी का वेलकम करता हूं H80 चैनल में। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसको हम पिपो भी शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। तो आइए, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर क्या है देखते हैं। इन दिस रजिस्टर द इनपुट इज गिवन पैरेलल एंड द आउटपुट आल्सो कलेक्टेड इन पैरेलल। इसमें क्या होता है, जो इनपुट हम देते हैं साइमल्टेनियसली इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं बिट्स की, और साइमल्टेनियसली रिमूव करवाते हैं बिट्स की, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। यहाँ पर हमने एक शिफ्ट रजिस्टर है, तो हम क्या करवा रहे हैं, इसमें साइमल्टेनियसली इनपुट करवा रहे हैं पैरेलली, और साइमल्टेनियसली इसके आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, ये इनपुट करवाया और साइमल्टेनियसली हमने ये आउटपुट लिया, तो ये क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्ड है। ठीक है, दैट द डेटा इज गिवन एज इनपुट सेपरेटली फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप एंड इन द सेम वे आउटपुट इज आल्सो कलेक्टेड इंडिविजुअली फ्रॉम ईच फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि हर एक फ्लिप फ्लॉप, ये क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप को शो कर रहे हैं, तो हर एक जो है फ्लिप फ्लॉप में हमने सेपरेटली इनपुट भी करवाया है, सेपरेटली आउटपुट भी लिया है। ठीक है, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप में हमने एंड, लेकिन हमने साइमल्टेनियसली सब में प्रोवाइड कराया है, ये आप समझ लें। पैरेलल जो होता है इनपुट का मतलब यही होता है कि हम साइमल्टेनियसली डेटा जो है इनपुट में दें, और पैरेलली आउटपुट का यही मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली हम जो है डेटा कलेक्ट करें या रिमूव करें। लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक कि हर एक फ्लिप फ्लॉप में सेपरेटली डेटा इनपुट होगा और सेपरेटली आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 3-bit शिफ्ट रजिस्टर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको सेपरेटली इनपुट दे रहे हैं, पहले मैं सेपरेटली इनपुट दे रहा हूँ इनको। ठीक है, उसके बाद में इसकी सेपरेटली ठीक है आउटपुट ले रहा हूँ। तो क्या होगा, ये 3 फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली कनेक्ट हैं। ठीक है, पॉजिटिव 8 ट्रिगर्ड हैं। ठीक है, तो ये 3-bit अगर मैं इसको 3-bit होल्ड करवा रहा हूँ, ठीक है इनपुट में दे रहा हूँ 101, ये मुझे होल्ड करवाने हैं इस फ्लिप फ्लॉप में, तो जैसे ही जो है एक क्लॉक पल्स आएगी तो ये तीनों आउटपुट हमें साइमल्टेनियसली मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैस्केडिंग अरेंजमेंट नहीं है, सेपरेटली इनपुट है सेपरेटली आउटपुट है, लेकिन ये जो ट्रिगर हो रहे हैं ये साइमल्टेनियसली ट्रिगर हो रहे हैं, तो एक ही क्लॉक पल्स में हमें आउटपुट में मिल जाएगा 101। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कैस्केडिंग नहीं है, मतलब ये सेपरेटली इनपुट वगैरह और आउटपुट हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही क्लॉक पल्स में हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो डिले में होती है, डिले एलिमेंट्स में। अगर हमें हमें कहीं एक पल्स हमें लेट जो है आउटपुट देना है, तो वहाँ पर हम ये इसका यूज़ करते हैं, और ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सिसो पिपो। सिसो में क्या था, हमें जो है मोर देन 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर थी आउटपुट में डेटा लेने के लिए, और जो है पिपो में मतलब पैरेलल इन और पैरेलल सॉरी सिपो सैरेलल सीरियल इन और पैरेलल आउट जो हम इसके प्रीवियस लेक्चर पढ़ किए हैं, तो उसमें क्या थी, हमें 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर थी, जिसकी मदद से हम वहीं पर आउटपुट ले रहे थे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो हमारा एक ही क्लॉक पल्स जो है प्रोवाइड करवाने पर हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये फास्टर देन हो गया किसके, सिसो और सिपो, मतलब सीरियल इन सीरियल आउट पैरेलल सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो इसका हम डिले में यूज़ करते हैं, और टेम्पररी स्टोरेज जैसे हम बफर में पढ़ के आए हैं, टेम्पररी स्टोरेज में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।